आज पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बिहार के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के नौजवानों को आधा अधूरा पुल नहीं, उन्हें रोजगार चाहिए। और तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को देश का सबसे झूठा मुख्यमंत्री भी कहा है। आगे आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान। ये तो खुले आम झूठ बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो सबसे बड़े झूठे हैं। देश में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी होगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री। माफ कीजिएगा, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन हम जो तर्क दे रहे हैं सदन के अंदर, कमेटी बनाने की बात तो झूठ, मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आर्टिफिशियल टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छिपाने की बात हो तब वो हाँ झूठ बोलते। पैकेज मिला, क्या मिला केंद्र से बताना मुख्यमंत्री जी उसके राहत कोष में कितना जो है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा मिला और कहाँ उन्होंने खर्च किया। लेकिन इन बिंदुओं पे मौजूदा सरकार बात नहीं करती, ना बहस करे, उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास आधा अधूरा वो करने का काम है। बिहार की जनता का इससे भला नहीं होता। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया। इसलिए हम लोगों का बार बार कहना है कि भाई हम लोग जो भी मौजूदा अगर सरकार रहेगी तो हम लोग, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो हम लोग आने के बाद जो है सामाजिक न्याय लालू जी ने किया, अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय वो बिहार की जनता के साथ हम लोग। और हम तो चंपारण भी हो लिए, छपरा सारण प्रमंडल भी हो लिए, आपका जो मिथिलांचल है मधुबनी दरभंगा का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, गोपालगंज सारण हो, हम तो स्थिति बकायदा देख के आ रहे क्या स्थिति है, लोग रोकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करते हैं, केवल दो दिन फोटो खिंचा के डाल देते, वो भी हमारे बोलने के बाद आप लोगों को पता, उससे पहले हेलीकॉप्टर को भूल ही गए। हमारे बोलने के बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बार मंगाया गया, लेकिन वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कितना दिन चला और कितना हेलीकॉप्टर चला, बस फोटोशूट के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जी का जो चेहरे पे जो दाग लगा है उसको चमकाने के लिए हेलीकॉप्टर का वितरण किया गया था एक दिन के लिए। दाग कितना भी षड्यंत्र साजिश रच के झूठ बोल करके गुमराह करने का कोशिश करें, लेकिन ये जो दाग 57 घोटाले का, पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, लाचारी का, भ्रष्टाचार का जो मुख्यमंत्री जी पे लगा है, बेईमानी का, वो कभी भी धोखे का वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। बिहार जनता आने वाले समय में जो है एक एक चीज का हिसाब बिहार की जनता लेने का।